जहां हम दुनियादारों को याद रखते हैं, अपने रोज़मर्रा मामूलाते ज़िंदगी में मसरूफ़ व मशगूल हैं, वही हम पर ये कर्ज भी है कि हम बहिस्सते उम्मते मुहम्मदी कुछ वक्त अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत के लिए भी निकालें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत समझ सके। आए हमारे साथ मिलकर इस वीडियो की बदौलत सरवरे दो जहां के हुस्न और जमाल से अपने जहनों को मुअत्तर करें। चौदहवीं के रोशन चांद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न बेमिसाल को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए दुनिया के तमाम अल्फाज कम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमालो सूरत में बेमिसलो बेमिसाल हैं, ना कोई आप जैसा आया और ना कभी आएगा। सहाबी रसूल और ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मुंसलिक शायर हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने कसीदा में जमाल नबूवत की शान बेमिसाल को इस शान के साथ बयान फरमाते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हुस्न व जमाल वाला मेरी आँख ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा कमाल वाला किसी औरत ने जाना ही नहीं। हुलिया मुबारक। रूहे हक का मैं सरापा क्या लिखूं, हुलिया नूर खुदा मैं क्या लिखूं। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा चांदनी रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सुर्ख धारों वाला जोड़ा ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। मैं कभी चांद को देखता और कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आखिरकार इस नतीजा पर पहुंचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा खूबसूरत हैं। प्यारे नबी का माथा कुशादा था, भवें गोल और खूबसूरत, सर बड़ा और बाल घंघड़ियाले, नाक आगे से बारीक, हसीन लंबी और मोटी आंखें बगैर सुरमे के सुरमई लगती थी, पलकें लंबी और दराज थी जिसमें अथर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों का बयान है कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्में अकदस का रंग गोरा सफ़ेद था। ऐसा मालूम होता था कि गोया आपका मुकद्दस बदन चांदी से ढालकर बनाया गया है। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक नहायत नरम व नाजुक था। मैंने दीबा हरेर यानी रेशमी कपड़ों को भी आपके बदन से ज्यादा नरम व नाजुक नहीं देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की खुशबू से ज्यादा अच्छी कोई खुशबू नहीं सूंघी। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो आपका चेहरा अनवर इस तरह चमक उठता था कि गोया चांद का एक टुकड़ा है, और हम लोग इसी कैफियत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादमानी और मुसर्रत को पहचान लेते थे। आपके रुखे अनवर पर पसीने के कतरात मोतियों की तरह ढलकते थे और इसमें मुश्को अंबर से बढ़कर खुशबू रहती थी। चनाचा हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा हजरत बीबी उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा एक चमड़े का बिस्तर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिछा देती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दोपहर को कैलूला फरमाया करते थे। आपके जिस्म अथर के पसीने को वो एक शीशी में जमा फरमा लेती थी, फिर उसको अपनी खुशबू में मिला लिया करती थी। चनाचे हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हों ने वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर का पसीना मिला हुआ है। कद मुबारक। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम बहुत ज्यादा लंबे थे
ना पस्ता कद बल्कि आप दरमियाना कद वाले थे और आपका मुकद्दस बदन इंतहाई खूबसूरत था। जब चलते थे तो कुछ खमीदा होकर चलते थे। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तवील कामत थे ना पस्ता कद बल्कि आप म्याना कद थे। बवक्त रफ्तार ऐसा मालूम होता था कि गोया आप किसी बुलंदी से उतर रहे हैं। मैंने आपका मिसल ना आपसे पहले देखा ना आपके बाद, जिसमें अनवर का साया ना था। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक और अलामा इब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना था, मक्खी मच्छर जुओं से महफूज। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने इस रवायत को नकल फरमाया है और हजरत हिजाजी रहमतुल्लाह अलैहि ताला वगैरह से भी यही मनकूल है कि बदन तो बदन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी, ना कपड़ों में कभी जुएं पड़ी और ना कभी खटमल या मच्छर ने आपको काटा। मोहरे नबूवत हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहरे नबूवत थी। ये बाजार सुर्खी मायल उभरा हुआ गोश्त था। नाज़रीन कराम, ये तमाम बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को बयान करने के लिए आटे में नमक के बराबर हैं। तमाम समुंदरों के पानी की स्याही और दुनिया में मौजूद दरख्त की लकड़ियों की कलमें भी आपके हुस्न व जमाल को बयान करने से कासर हैं। लेकिन इस छोटी सी कावज की बदौलत आप सब अपने प्यारे आका के हुस्न व जमाल का छोटा सा नमूना अपने जहन में समा सकते हैं और सिर्फ यही मीठी सूरत हम सब के लिए बासे बख्शिश होगी। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।